कोरोना काल में डॉक्टर की मनमानी और स्टाफ की गुंडागर्दी, दर्द से कराहता रहा मासूम, इलाज के लिए गुहार लगाते रहे परिजन, केयर सेंटर के स्टाफ और डॉक्टर के चालक की दबंगई, आरजूए मिन्नत लगाते रहे परिजन। एक तो पहले से ही स्मार्ट सिटी भागलपुर का है बुरा हाल, ऊपर से कोरोना का काल, जनता है लाचार, सुनिए सरकार। कोरोना काल में जहां शहर के अधिकतर निजी नर्सिंग होम बंद हैं, तो वहीं कुछ डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। कोरोना काल में जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टरों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन शहर के एक निजी नर्सिंग होम के स्टाफ की हरकत हैरान करने वाली है। दरअसल इशाकचक निवासी अभिषेक कुमार अपने परिजन के साथ बच्चे को लेकर भिकनपुर गुमटी नंबर 3 के समीप चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर पहुंचा, लेकिन डॉक्टर क्लिनिक से बाहर निकल चुके थे। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से बच्चे को देखने की बात कही। लाख मिन्नतों के बाद डॉक्टर साहब बच्चे को देखने को राजी हुए, लेकिन इसी बीच केयर सेंटर के स्टाफ से परिजनों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद केयर सेंटर के स्टाफ और डॉक्टर के चालक ने मरीज के परिजनों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भी दे डाला। तकरीबन 20 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच हाथापाई चलता रहा और बच्चा तेज बुखार से कराहता रहा। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ डॉक्टर के सामने होता रहा, उसके बाद भी बच्चों को केयर सेंटर में भर्ती नहीं किया गया। डॉक्टर का कहना है कि दोपहर बाद घर भोजन करने जा रहे थे, मरीज के परिजन रोड पर ही बच्चे का इलाज करने का दबाव बनाने लगे। बच्चे का इलाज दूसरे जगह कराने की सलाह पर परिजन नाराज हो गए, साथ ही डॉक्टर ने परिजनों पर धमकी देने सहित कई अन्य आरोप भी लगाए। वहीं मरीज के परिजनों का कहना है कि कोरोना काल में डॉक्टर ने इलाज से इनकार कर दिया, जब बार बार मिन्नतें की गई तो केयर सेंटर के स्टाफ और डॉक्टर के चालक गालिज ग्लोज के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर डॉक्टर को खाने के लिए घर जाना था या फिर किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो 30 मिनट तक मुख्य दर्शक बनकर घटना को क्यों देखते रहे? आखिर इलाज क्यों नहीं किया? डीजे का सर तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, उनको 103 डिग्री बुखार था। हम लोग यहाँ पे आए, इनसे रिक्वेस्ट किए, सर हमारे बच्चे को देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने सीधा इनकार कर दिया कि हम नहीं देखेंगे, धमकी दे दिया, उसका धमकी दिया कि गोली भी मारेंगे। जब देश में इतना मुश्किल फैला हुआ है, तो फ्रंट लाइन वर्कर की तरह डॉक्टर को आगे आना चाहिए और ये सीधा पीछे हट जाते हैं। क्या होगा अगर मान लीजिए कोरोना वगैरह नहीं है या कोई तरह की तकलीफ नहीं है, तो क्या होगा? बच्चा नहीं मरेगा?